स्टूडेंट ऑफ क्लास सिक्स। बेटा ये जो हमारा टॉपिक है ये यूरोप से रिलेटेड है। इसमें हम यूरोप के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे। जैसे अगर हम यूरोप की बात करें तो ये यूरोप जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। हेमिस्फीयर का मतलब आप समझ गए होंगे, 0 डिग्री के अबब जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो बिलो में पड़ता है उसे हम लोग साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो जो यूरोप की लोकेशन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, 35 डिग्री नॉर्थ से लेकर 75 डिग्री नॉर्थ में। इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंस की बात करें, विस्तार की बात करें, तो 10 डिग्री वेस्ट से लेकर 60 डिग्री ईस्ट में है। ये जो आपका यूरोप है ये जनरली टेम्परेट जोन में पाया जाता है। अब बेटा टेम्परेट जोन में पाया जाता है इसका क्या मतलब है? इसका मीन्स ये है कि देखो जो टोरिड जोन था वो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में था, उसके जो अबव का जोन होता है वो टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन का मतलब कि वो जगह थोड़ी ठंडी होगी टोरिड जोन से, ठीक है? इसका यही मतलब, जोन का मतलब ही होता है क्षेत्र से मतलब होता है। यूरोप इज सराउंडेड बाय द नॉर्थ सी टू द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। अगर बात करें नॉर्थ की तो नॉर्थ में अटलांटिक ओशियन से घिरा हुआ है, आप मैप में देख सकते हैं। एंड इट्स वेस्ट सेपरेट इट फ्रॉम द अमेरिका, ठीक है? यूरोप इज सराउंडेड बाय नॉर्थ सी टू द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन टू इट्स वेस्ट एंड द मेडिटेरियन सी टू द साउथ। ध्यान दीजिएगा मेडिटेरियन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग इसको हाईलाइट कर लेंगे। इसमें जो आपने मेडिटेरियन सी देखा तो मेडिटेरियन सी में आप देख सकते हैं कि मेडिटेरियन सी, द मेडिटेरियन सी टू द साउथ ईस्ट। तो अफ्रीका से यूरोप जो है वो किस सी के द्वारा अलग होता है? तो हम यही बताएंगे कि मेडिटेरियन सी से, ना लिखा है कि मेडिटेरियन सी टू द साउथ सेपरेट इट फ्रॉम अफ्रीका। तो जो ये आपका यूरोप है, यूरोप अफ्रीका से किस सागर के द्वारा अलग होता है? तो उसका नाम है मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन के सी के द्वारा ही यूरोप अफ्रीका से सेपरेट होता है, अलग होता है। एंड इट्स सेपरेटेड फ्रॉम एशिया बाय अ कॉक्सस माउंटेन। यूरोप एशिया से कॉक्सस माउंटेन के द्वारा सेपरेट होता है, अलग होता है, द यूराल माउंटेन एंड कैस्पियन सी, और कैस्पियन सी के द्वारा और यूराल माउंटेन के द्वारा। अगर हम इसके साइज़ की बात करें दैट इज़ अ वेरी लार्ज कॉन्टिनेंट। इसका एरिया भी गिवन है। अब देखिए आप लोग को एक होमवर्क रहेगा, इसमें आपको दिखाना है मार्क द फॉलोइंग फीचर्स ऑन आउटलाइन मैप ऑफ यूरोप विद द हेल्प ऑफ स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। तो आपको मैप नहीं, आपको बताना है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जो है किन दो देशों के बीच में है या किन दो कॉन्टिनेंट को सेपरेट करती है। माउंट विसुवियस का नाम रखना है किस कॉन्टिनेंट में है, यूराल माउंटेन, माउंट ब्लैंक, और एक नदी है जिसका नाम है राइन नदी, उस रिवर को भी आप लोग को बताना है कि किस कंट्री में या किस कॉन्टिनेंट में है, ठीक है? ये आपका होमवर्क रहेगा। आइए समझते हैं थोड़ा इसके बारे में। फैक्ट अबाउट यूरोप, यूरोप बारे में क्या फैक्ट है देखते हैं। द ग्रीनविच मेरिडियन पासेस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। ग्रीनविच जानते हैं जिसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जोन कहा जाता है, टाइम कहा जाता है, मतलब जहाँ से पूरे वर्ल्ड का टाइम डिफाइन किया जाता है, जो और वो जो आपका इंटरनेशनल टाइमलाइन है वो ग्रीनविच से ही पास करता है जो कि यूरोप महाद्वीप में है, यूरोप कॉन्टिनेंट में है। द अल्पाइन सिस्टम इज़ अ चैन ऑफ माउंटेन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द अटलांटिक ओशियन टू कैस्पियन सी। तो अटलांटिक ओशियन से लेकर कैस्पियन सी तक जो माउंटेन का एक सीरीज बनती है, चैन बनती है, श्रृंखला बनती है, उसे अल्पाइन सिस्टम कहा गया। माउंट ब्लैंक इज़ द हाईएस्ट पीक इन द आल्पस। जो यूरोप का आल्पस माउंटेन है वह उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट ब्लैंक, ठीक। सम ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट रिवर आर वोल्गा, डेन्यूब, राइन, डॉन। ये वहाँ की नदियों का नाम है, वोल्गा नदी, डेन्यूब नदी, रिवर राइन नदी, डॉन नदी, ये सब के सब यूरोप में पाई जाती हैं। फिनलैंड हैज़ 50,000 lakhs, ये फिनलैंड की एरिया की बात की गई है। यूरोप हैज़ नो डिज़र्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैंने अंडरलाइन की है कि यूरोप में बेटा कोई रेगिस्तान नहीं है,
यूरोप हैज़ नो डिज़र्ट, इट इज़ अ कॉन्टिनेंट ऑफ हाई माउंटेन एंड वास्ट प्लेन। यहाँ पे ऊंचे ऊंचे माउंटेन के साथ काफ़ी ज़्यादा प्लेन्स पाया जाता है, मैदानी भाग ज़्यादा पाया जाता है यहाँ पे। माउंट वेसुवियस एंड माउंट एटना इन इटली आर एमोंग इट्स एक्टिव वोल्केनोज। ये जो ऐसे ये ज्वालामुखी जो माउंट एटना है और माउंट वेसुवियस है, ये इटली के ज्वालामुखी पर्वत हैं, यहाँ से अक्सर ज्वालामुखी फटता रहता है, वोल्केनो एक्टिव रहते हैं यहाँ पे माउंट वेसुवियस और माउंट एटना पर। जर्मनी, फ्रांस, इटली एंड द यूनाइटेड किंगडम आर यूरोपियन कंट्रीज। तो मेन कंट्रीज़ का नाम भी दिया है, जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूके इम्पॉर्टेंट हैं। आइए कुछ इम्पॉर्टेंट कंट्री के नाम हम लोग इसमें देखते हैं। देखिए बेटा, आपको यहाँ पे रशिया दिख रहा होगा, रशिया एक ऐसा ही ऐसी कंट्री रशिया जो कि एशिया और यूरोप दोनों में है, ठीक है। और आप क्या देख सकते हैं, अच्छी अच्छी कंट्री का नाम देख लीजिए, जर्मनी है, जर्मनी की कैपिटल आपको बर्लिन दिख रही होगी, लग्जमबर्ग है, पेरिस भी दिख रहा होगा ग्रीन कलर में, फ्रांस, फ्रांस की कैपिटल आपको पेरिस दिख रही होगी, ये सब यूरोपीय कंट्री हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए स्पेन, स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है जो कि ये भी यूरोपियन कंट्री है। पुर्तगाल देख सकते हैं, पुर्तगाल जो हम लोग कहते हैं, जो पुर्तगीज़ भारत आया था, जो पहला पुर्तगीज़ भारत आया था, क्या नाम था, वास्को डी गामा, उसकी कैपिटल लिस्बन है। आप यहाँ भी देख सकते हैं पुर्तगाल के बारे में, जिब्राल्टर भी देख सकते हैं, जिब्राल्टर जल संधि है यहाँ पे। और यहाँ पे ग्रीस देख सकते हैं आप, ग्रीस की कैपिटल एथेंस है, ये भी आपका यूरोपियन कंट्री। तुर्की देख सकते हैं आप, ठीक है, तुर्की भी देख लीजिए, बुल्गारिया, रोमानिया, सर्बिया, ये सभी के सभी जो हैं यूरोपियन कंट्री हैं। पोलैंड देख लीजिए आप लोग, जर्मनी का बर्लिन देख लीजिए, आयरलैंड देख लीजिए, डबलिन उसकी कैपिटल है, यूनाइटेड किंगडम भी देख सकते हैं आप, लंदन, लंदन दिखा उसका कैपिटल, आम्स्टर्डम वहाँ पर उस शहर का नाम, बहुत अच्छी सिटी है। और देख लीजिए आप ये स्वीडन देख सकते हैं आप, स्टॉकहोम वहीं पे है, ठीक है, ओस्लो स्वीडन, ये इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं वहाँ पे। और क्या क्या है आप देख सकते हैं, फिनलैंड भी आप देख सकते हैं यहीं पर है, फिनलैंड भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक। तो ये जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं इनका नाम याद रखिएगा कि ये कंट्री कहाँ कहाँ हैं, जो मैंने आपको बताया, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन है, पोलैंड की कैपिटल वारसा है, बेलारूस देख लीजिए, ठीक है, जर्मनी का बर्लिन हो गया, और आप फ्रांस का पेरिस हो गया, मैड्रिड का स्पेन हो गया, पुर्तगाल का लिस्बन हो गया, आयरलैंड का डबलिन हो गया, यूनाइटेड किंगडम का लंदन हो गया, ठीक है। तो ये इतनी जितना मैंने आपको जितना बताया, आप सभी को लोगों को लर्न कर लेना है कि ये मैं पूछूंगा आप लोगों से। इटली देख लीजिए, इटली की कैपिटल रोम है, ये भी आपकी वही यूरोपियन कंट्री है। फिर ग्रीस भी मैंने बताया, उसकी कैपिटल एथेंस है, बुल्गारिया, रोमानिया, ब्लैक सी भी आप देख सकते हैं यूरोप में है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, देखते हैं। इट एक्सटेंड फ्रॉम अबाउट 10 डिग्री साउथ टू 44 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स, फ्रॉम अबाउट 112 ईस्ट टू 154 ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। इट इज़ लोकेटेड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर बिकॉज ऑफ विच इज आल्सो कॉल्ड द लैंड डाउन अंडर। ठीक है, ये ऐसा कॉन्टिनेंट है बेटा जो टोटली आपको साउदर्न हेमिस्फीयर में दिख रहा है ना, एक इसके पहले यूरोप में आपने देखा जो पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और ऑस्ट्रेलिया आपका साउदर्न हेमिस्फीयर में है। इसको लैंड डाउन अंडर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसकी लैंड देखेंगे आप तो 0 डिग्री के पूरी ऊपर है, एकदम साउथ में ही है ये। एक तरह से ये आइसलैंड कंट्री कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये कॉन्टिनेंट पूरी तरह वाटर से सराउंडेड है, पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको आइसलैंड कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, इट इज़ ऑफन कॉल्ड आइसलैंड कॉन्टिनेंट एज इट इज़ सराउंडेड बाई ओशियंस एंड सी। इट्स ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट इज़ अबाउट 3900 किलोमीटर एंड द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट इज़ 4300 किलोमीटर। ये आपके ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑस्ट्रेलिया के फैक्ट और अंटार्कटिका के बारे में पढ़ेंगे।